नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, मैं आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम कॉमर्स के करियर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अलग अलग कॉमर्स करियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने CA के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, CMA के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है और आज हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं CS के बारे में। CS का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कि CA है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि CMA है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और एक सबसे बढ़िया तगड़ा करियर है कॉमर्स में, वो है CS, जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी हम ब्रीफ जानकारी लेंगे और उसके बाद हम इस हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो CS में करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कितने सारे कोर्सेज हैं, कितने सारे स्टेजेस हैं, उस सारे के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका टॉपिक है CS एट अ ग्लांस और CS कोर्स एट अ ग्लांस, जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एट अ ग्लांस। ये जो कोर्स है इसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसके द्वारा ये कोर्स लिया जाता है। ये जो बॉडी बनाई गई है उसका नाम है ICSI, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, जो पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट बना के इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये बॉडी तैयार की हुई बॉडी है जिसके द्वारा इसका एग्ज़ाम और कंडक्शन, पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्शन और कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे CS कैसे बने हैं और CS कैसे बनेंगे, तो आज हम इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और एक बात जाते जाते मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही में ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलती रहेंगी। ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स। तो आज हम बात करेंगे CS कोर्स के बारे में, तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले मैं आपके से एक विनती करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में CS के बारे में जो सारे सवाल हैं वो पूरे सवालों का जवाब और पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं CS क्या है। तो CS में मेरे प्यारे दोस्तों तीन स्टेजेस हैं, जिन तीन स्टेजेस से हमें जाना पड़ता है। अगर हम ये तीन स्टेजेस कंप्लीट कर पाएंगे तो तभी हमें CS का डिग्री मिलता है, और वो तीन CS की स्टेजेस हैं CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। इन तीन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही हम CS बनते हैं, जो पहला है फाउंडेशन, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है प्रोफेशनल। जिस प्रकार हमने CA में देखा था फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, इसी प्रकार यहाँ पे नाम अलग है, स्टेजेस उतनी ही हैं। स्टेजेस के नाम है फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। और ये तीन स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद हम बन जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद हम कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कैसे हमें एडमिशन मिल सकता है, क्या है अ कोर्स दैट ट्रांसफॉर्म्स स्टूडेंट इनटू मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। ये कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। जैसे कि हमने बोला, कॉमर्स में तीन करियर बहुत मायने रखते हैं, वो तीन कोर्सेज हैं CA, CMA और CS। तो ये है हमारा तीसरा कोर्स। ऑलरेडी हम CA और CMA के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है CMA और CS कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हमें CS फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है तो हमारे पास, हम ये 10th के बाद और 12th के बाद भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, पास 12th एग्जामिनेशन एंड यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर CS फाउंडेशन कोर्स, और यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर फाउंडेशन कोर्स। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमें ये तीन स्टेजेस से जाना पड़ता है। जब हम फाउंडेशन क्लियर कर पाएंगे और ग्रेजुएशन क्लियर कर पाएंगे तब हमें ज्वाइन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अगर हम एग्जीक्यूटिव पास करते हैं तो हमें प्रोफेशनल में डायरेक्टली जा सकते हैं। तो एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज यहाँ पे है, इतना ही है मुझे बोलना है। प्रोफेशनल के बाद आपको आर्टिकलशिप है 1 साल का,
उसके बाद जब हम ये प्रोफेशनल कंप्लीट कर पाएंगे, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर पाएंगे, और प्रोफेशनल के बाद हमें आर्टिकलशिप हम कर सकते हैं, अप टू यू, हमारे हिसाब से जाता है। अगर हम एग्जीक्यूटिव के बाद भी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोफेशनल के बाद भी हम आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर सकते हैं, मगर अगर हमें सीए का प्रैक्टिस करना है तो आर्टिकलशिप कंपलसरी है, जो हमें याद रखना है। और ये है पूरा स्ट्रक्चर। तो और एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बोलता हूँ, 12th के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फाउंडेशन के लिए। जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन, अगर आपका फाउंडेशन नहीं है और ग्रेजुएशन है तो भी आप एग्जीक्यूटिव के लिए एडमिशन ले सकते हो। एग्जीक्यूटिव के बाद आप आर्टिकल भी कंप्लीट कर सकते हो और प्रोफेशनल के बाद भी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर सकते हो। जब आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रोफेशनल में जा सकते हो, और पूरा जब आप हो जाओगे तो आपको आप कहलाओगे कंपनी सेक्रेटरी। अब आपके नाम से पहले सीएस लिख पाओगे, जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं, चार्टर्स लिखते हैं, सीए में लिखते हैं, उस प्रकार से आप भी लिख सकते हो। तो ये है कोर्स जो हमें कंप्लीट करना है, जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। तो आज इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में, मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस प्रकार के वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में देखेंगे आप कुछ नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद।